हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेज आईक्यू, दिस इज राहुल। तो गाइस, आज हम डी ट्रिपल एस पी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। मैं ऑप्शंस और क्वेश्चंस यहाँ पर देता जाऊँगा, आपको भी लास्ट में अपने कितने आंसर सही हुए यहाँ पर मेंशन करने हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विषम का चयन करें। यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, पहला है विरुद्ध, दूसरा यहाँ पर है उद्ग्राह, तीसरा यहाँ पर है ध्रुवा या फिर ध्रुव कह सकते हैं, और चौथा यहाँ पर है आभोग। अब इन चारों में से आपको ये बताना है कि इनमें से विषम कौन सा है, मतलब कौन सा अलग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। विरुद्ध होगा, उद्ग्राह होगा, ध्रुवा होगा, अभोग होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विरुद्ध। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 13वीं शताब्दी का प्रसिद्ध संगीतकार है। आपके यहाँ पर ऑप्शन है मियां तानसेन, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है मान सिंह तोमर, तीसरा यहां पर आपका ऑप्शन है गोपाल नायक, और चौथा आपका ऑप्शन है हद्दू खां। बताइए 13वीं शताब्दी का प्रसिद्ध संगीतकार कौन है, तानसेन है, मानसिंह तोमर है, गोपाल नायक है या हद्दू खां। ठीक है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो गोपाल नायक, ये शारंगदेव जी के टाइम के थे, आप सभी को पता होगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर गोपाल नायक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तानसेन के गुरु कौन थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, ये सबको पता होगा, स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे। ये आपका डी ट्रिपल एस सी पीजीटी में जो क्वेश्चन आए थे बहुत इजी क्वेश्चन थे, ये वही पेपर है। और टीजीटी का थोड़ा बहुत पेपर जो है, हमेशा वैसे मैंने देखा है कि डी ट्रिपल एस सी का पेपर थोड़ा टफ ही आता है, लेकिन ये इजी पेपर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए रागों में से कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है। पहला है केदार, ये समय से क्वेश्चन है, दूसरा है सारंग, तीसरा यहां पर है मालकोंस, और चौथा यहां पर है मारवा। कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है। ठीक है, सारंग यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि मध्यम ग्राम में भूपाली बजाया जाता है तो कौन सा राग प्राप्त होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, मध्यम ग्राम में भूपाली अगर बजाया जाए तो कौन सा राग होगा। पहला है मालकोंस, अच्छा क्वेश्चन है ये, दूसरा यहाँ पर है जौनपुरी, तीसरा यहां पर क्वेश्चन है कालिंगड़ा या फिर आप मांड ले लो या कालिंगड़ा जो भी है, और चौथा यहां पर ऑप्शन है आपका पहाड़ी। बताइए भूपाली को अगर हम मध्यम ग्राम में बचाएं, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, फिर भी आप यहां पर आंसर करने की कोशिश करिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते रहेंगे। मूर्छना पद्धति का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यदि मध्यम ग्राम में भूपाली बजाया जाता है तो कौन सा राग प्राप्त होगा। नहीं, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है पहाड़ी। पहाड़ी राग के बारे में पढ़िएगा,
तो आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए रागों में से कौन सा राग संधि प्रकाश है? पहला है हिंडोल, दूसरा यहां पर है जौनपुरी, तीसरा है कालिंगड़ा और चौथा है यहां पर तोड़ी। बताइए। संधि प्रकाश, यहां पर ना तो प्रातःकालीन लिखा है ना सायकालीन लिखा है, सीधा पूछा है संधि प्रकाश। कौन सा राग होगा, आंसर करिए। ठीक है, आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कालिंगड़ा। इन सभी रागों के बारे में पढ़िएगा, हिंडोल, जौनपुरी, कालिंगड़ा और तोड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लावणी ये कहाँ का लोक शैली है? तो सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का ये लोक शैली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा विकल्प भक्ति संगीत का रूप है? तो पहला दादरा, दादरा गाने वाला जो दादरा होता है, दूसरा कव्वाली, तीसरा आपका ऑप्शन है कजरी और चौथा है चैती। ये भी थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है वो कर लेंगे। बताइए अपना आंसर बताइए, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? ठीक है, यहां पर आपका राइट आंसर होगा कव्वाली। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाउल गीत के साथ सामान्यता किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका तबला, सारंगी, शंख, चौथा ऑप्शन है एक तारा। बताइए, बाउल के साथ में तबला, सारंगी, ठीक है, कुछ लोगों के आंसर यहाँ पर ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक तारा। क्लियर है, बाउल के साथ में एक तारा का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मांड कहाँ की शैली है? यह भी क्वेश्चन कई बार आया है, ऑप्शन देता हूं मैं, कश्मीर, कुछ लोग ने पहले ही आंसर कर दिया, दूसरा है गुजरात, तीसरा यहां पर है राजस्थान और चौथा है असम। बताइए, ठीक है, राजस्थान यहां पर राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए रागों में से कौन सा राग लोक संगीत में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लीजिए, बागेश्वरी पहला है, दूसरा ऑप्शन है मधुवंती, तीसरा ऑप्शन है बिहाग, चौथा यहां पर ऑप्शन है गारा। बताइए, लोक संगीत प्रयुक्त मतलब लोक संगीत में उपयुक्त राग कौन सा है? इनमें से कौन सा राग हम लोक संगीत के लिए अच्छा मानते हैं या प्रयोग करते हैं? ठीक है, कुछ लोग के आंसर ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गारा। इन चारों रागों के बारे में पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है, गांधार धैवत निषाद गाधानी किस थाट के संकेतक हैं? गाधानी किस थाट के संकेतक हैं? तो यहां पर ऑप्शन देते हैं, हासावरी, पूर्वी, मारवा, और भैरवी। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा ये, इसको मैं सही करूं तो गांधार कोमल, धैवत कोमल और निषाद कोमल। गधनी, ये कोमल किस थाट के अंतर्गत आते हैं बताइए? गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, तीनों किस में कोमल लगाए जाते हैं? पहला तो आपका भैरवी ही है, मतलब भैरवी में गाधनी तीनों कोमल होते हैं, लेकिन यहां पर ऋषभ के बारे में कुछ दिया नहीं है, ठीक है? तो आंसर यहां पर क्या होगा बताइए? ठीक है, देखिए पूर्वी में भी रे कोमल है, मारवा में भी रे कोमल है, यहां पर रे दिया नहीं है, भैरवी में भी रे कोमल है, इन तीनों रागों में रे कोमल है, रे यहां पर दिया नहीं है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर गलत है, पेपर में भी ये थोड़ा सा गलत होगा, पूछने का तरीका यहां पर थोड़ा सा अलग होना चाहिए। वैसे इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पर आसावरी सेट बैठता है, ठीक है? पेपर में भी मैंने देखा था इसमें आसावरी को बोर्ड ने भी यहां पर सही माना था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने गलत पूछा है, इसको और क्लियर करके पूछना चाहिए था, क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, कुछ बच्चों ने बैच के बारे में पूछा था कि क्या बैच है कैसे, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका जो पेड बैच है, DSSSV प्लस EMRS का ये बैच है, दोनों मिलाकर पढ़ेंगे, जहाँ पर EMRS पढ़ेंगे उसके बाद DSSSV। EMRS का पूरा सिलेबस DSSSV में आ जाएगा, जो कुछ एड ऑन टॉपिक होंगे वो मैं अलग से DSSSV वालों को अलग से कराऊंगा। तो फीस इसकी जो म्यूज़िक का पार्ट है यही मैं कराऊंगा, ओनली 3500 है यहाँ पर। वीक में आपकी जो क्लासेस होंगी 3 to 4 क्लासेस पर वीक होंगी, ठीक है? दूसरा, यहाँ पर दो बैचेस हैं, एक रात में 9 से 10 हो सकता है आपकी क्लास हो, और हो सकता है 1 से 2 के बीच में दोपहर में हो, मतलब क्लास एक ही बार होगी। अब अभी टाइम डिसाइडेड नहीं हो सकता, रात में ही सभी क्लासेस हों या दिन में ही सभी क्लासेस हों, क्लियर है? ये PM है रात में। लाइव क्लासेस होंगी आपकी, जो कि गूगल मीट पर या फिर जूम के थ्रू होंगी, और ये लाइव क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड होंगी, ये बाद में आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और कभी भी इनको आप देख सकते हो। अभी जो बैच मैं चला रहा हूँ वो आपको मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने का हमें टाइम मिलेगा, या 3 महीने भी मान के चलते हैं, तो 2 मंथ्स में मैं आपका EMRS प्लस DSSSV 2.5 मंथ लेके चलते हैं, इतने दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है? और कोई कंफ्यूजन होगी तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि बैचेस आपके जो हैं वो 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? रजिस्ट्रेशन आपको इस लिंक में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप रजिस्टर कर सकते हो DSSSV या फिर EMRS के लिए। सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन करें जिनको क्लास ज्वाइन करना होगा, डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। उससे क्या होता है कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो और फिर दोनों लोगों का टाइम वेस्ट होता है, तो जिनको करना होगा डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने हैं, आप ज्वाइन कर लेना। बैचेस शुरू हैं, क्योंकि नेक्स्ट बैच फिर पता नहीं कब बनेगा, फर्स्ट बैच का यहाँ से मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगा, क्योंकि फॉर्म भरे जाएंगे फिर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में टाइम मिलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप इस पे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और मैसेज भी कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने एक नए प्रकार के तोड़ी राग की रचना की? यहां पर यह क्वेश्चन ऑप्शन से समझ में आ जाएगा, मतलब किसने नए प्रकार के तोड़ी की रचना की। अब कौन थे इनमें से? तो पहले यहां पर आते हैं नेमत खान। क्या नेमत खान ने तोड़ी का कोई नया प्रकार बनाया था, या फिर फयाज खान ने, या फिर बिलास खान ने? अब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। चौथा ऑप्शन यहां पर है भूपत खान। सही कह रहे हो आप लोग, आंसर सही बता रहे हो। बिलास खानी तोड़ी बनाई थी। ये तोड़ी का एक नया प्रकार है जो बिलास खान ने बनाया था। ये तानसेन के सबसे छोटे बेटे थे, उन्होंने बिलास खानी तोड़ी एक नया राग बनाया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए रागों में से किसमें आंदोलित सुरों की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर देस है, मतलब किसमें स्वरों का आंदोलन किया जाता है। दूसरा यहाँ पर तिलंग है। तीसरा यहाँ पर आपका हमीर है। और चौथा यहाँ पर दरबारी कानड़ा। बताइए, देस होगा, तिलंग होगा, हमीर होगा, या दरबारी कानड़ा? ठीक है, दरबारी कानड़ा में जो गांधार होता है और निषाद भी हो गया तो धगत भी थोड़ा सा होता है, तो हम इसको आंदोलित करते हैं। क्लियर है? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दरबारी कानड़ा। इन चारों रागों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। चलते हैं नेक्स्ट राग में। किस राग में तोड़ी जैसे समान स्वर हैं? ऑप्शन ले लीजिए। पहला है पीलू, दूसरा है तिलंग, चौथा है मुल्तानी, पांचवा है आसावरी। ऑप्शन से ही यहाँ पर समझ आ जाएगा। इन चारों रागों के बारे में पढ़िएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुल्तानी। अब इसमें मुल्तानी में कोमल गांधार, कोमल ऋषभ, तीव्रमा लगते हैं। ठीक है, तोड़ी भी यहाँ पर, तोड़ी में यहाँ पर जो धैवत होता है वो भी कोमल होता है, निषाद यहाँ पे शुद्ध होता है। अब जैसे कि तोड़ी अगर है तो उसमें सारे गरे गरे सारे नी, शुद्ध नहीं है ये, सारे नी सारे गा, ये तोड़ी है। मुल्तानी में नीसा गा जाते हैं, रे और धारों में वर्जित करते हैं। अब इसमें मुल्तानी में नीसा मा गा, इसमें ऐसे चलता है, मतलब ऋषभ को हम क्या करते हैं यहाँ पर? वर्जित करते हैं। नीसा गा मा पा, ऐसे करके ये आपका चलेगा। और तोड़ी में क्या है? सारे ग म ग रे ग रे सा, ये आपका तोड़ी आएगा। तो यहाँ पर मुल्तानी और तोड़ी में एक जैसे स्वर प्रयोग किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालकौंस में कौन से स्वर वर्जित है? आसान सा क्वेश्चन है। मानी वर्जित है, या गाधा वर्जित है, या रेधा वर्जित है, या रेपा वर्जित है? बताइए, मालकौंस में कौन सा यहाँ पर आपका राग वर्जित है? आंसर बताइए। मध्यम लगता है, मादी स्वर है, गा भी है, धा भी है, नी भी है, तो बचा क्या यहाँ पर? ठीक है, ऋषभ पंचम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
पेपर थोड़ा सा इजी है, अगर जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए रागों में से कौन सा राग विशिष्ट मौसम से संबंधित है? क्वेश्चन आपके हैं मियां की सारंग, या फिर मियां की तोड़ी, या फिर मियां मल्हार, या फिर अडाना। बताइए कौन सा राग विशिष्ट मौसम से संबंधित? ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। हाँ, सारंग के भी कुछ प्रकार हैं जो मौसम में गाए जाते हैं, मल्हार का तो है ही है मौसम में गाए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो राइट आंसर माना है बोर्ड ने वो मियां मल्हार। ठीक है, मल्हार के कई प्रकार आपके मौसम में गाए जाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि भीम पलासी में निषाद को शुद्ध कर दिया जाए तो कौन सा राग बनेगा? मुल्तानी बनेगा, पटदीप बनेगा, पटदीप, मधुवंती बनेगा, या फिर बिहाग बनेगा? बताइए, आसान क्वेश्चन है। इन चारों रागों के बारे में पढ़े, जो जो आपको यहाँ पर टॉपिक मिल रहे हैं उन सबको अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो करिएगा। ठीक है, सभी लोग सही बता रहे हो, यहाँ पर हो जाएगा पटदीप। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध दर्शन का प्रचार करने के लिए कौन से गीत प्रकार का प्रयोग किया गया? ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा आया है, लेकिन ये बौद्ध धर्म में कैसे संगीत का प्रयोग होता था वहां से क्वेश्चन है। तो पहला ये साम है, साम का प्रकार था। दूसरा है जाति प्रकार प्रचलित था। तीसरा है ध्रुवा और चौथा है गाथा। तो कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, राइट आंसर आपका मैं बताता हूँ यहाँ पर गाथा होगा। क्लियर है, ये अपने नोट में आप जो भी नोट्स बना रहे होगे मेंशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्राचीन चीनी संगीत को प्रभावित किया? किसने प्राचीन चीनी संगीत को प्रभावित किया? अब ऐसा क्वेश्चन है ये कि जो है आपका सही भी कर सकते हो और गलत भी कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर नहीं आते हैं तो इनको छोड़ना ही बेहतर है, क्योंकि 5, 10 या 5 क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नहीं समझ आते कहाँ से आते हैं। माइनस मार्किंग है तो क्वेश्चन को छोड़ देना आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आता है गेस कर सकते हो तो बहुत अच्छा। ऑप्शन देता हूँ मैं, गेस करिए। चांग, दूसरा है हुआंग, तीसरा है कन्फ्यूसियस, बताइए, गेस करके बताइए, मैं भी जानता हूँ कि पढ़ा नहीं होगा। चौथा है डिगजियांग, नाम बोल देता हूँ मैं, चांग, हुआंग, कन्फ्यूसियस या फिर डिगजियांग, बताइए, गेस करिए। ठीक है, और भी लोग कमेंट करिए। गेस करके बताना इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को। ठीक है, कुछ लोग के ठीक हैं, और लोग कमेंट करिए। कन्फ्यूसियस, हाँ कन्फ्यूसियस था जिसने चीनी संगीत को थोड़ा सा उसमें कुछ उसमें वेरिएशन उसने किए थे, इसलिए बोला जाता है कि प्रभावित किया।
क्लियर है। तो गाइज आज इस वीडियो में यहीं तक हम क्वेश्चंस को करेंगे। आगे क्लासेस जिनको ज्वाइन करनी है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना आप लोग, जिनको ज्वाइन करनी है सिर्फ वही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ राहुल सिंह। जय हिंद।